उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को मेडिकल कॉलेज में लगभग 75 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। शिलान्यास और लोकार्पण के पश्चात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवजात शिशु के इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में नवनिर्मित 67 बेड वाले शिशु वार्ड का फीता काटकर उद्घाटन किया। उद्घाटन के पश्चात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वार्ड की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित चिकित्सकों से पूछताछ कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 100 बेड वाले नवनिर्मित इंसेफ्लाइटिस वार्ड का भी निरीक्षण किया और संबंधित चिकित्सकों से पूछताछ की। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंसेफ्लाइटिस का इलाज कराने आए नन्हे बच्चों के परिजनों से वार्ड की व्यवस्थाओं के बारे में पूछताछ कर परिजनों का हालचाल लिया। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि BRD मेडिकल कॉलेज में लोग दूर दराज से इलाज कराने आते हैं। इन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके इसके लिए निरंतर नए नए प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में नवजात शिशु के बेहतर इलाज के लिए नए वार्ड का निर्माण किया गया है। NICU में प्री मैच्योर बच्चे पैदा होते हैं जिसमें वेयर्स की संख्या पहले 16 थी जिसे बढ़ाकर अब 60 कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंसेफ्लाइटिस के मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा के साथ साथ जागरूकता के माध्यम से इसे जड़ से समाप्त करना है। एक आदमी को भेज देना सूचना वाले को, एक आदमी उनको एक आदमी मिल इंसेफ्लाइटिस से जो पेशेंट यहाँ पर भर्ती होते थे पहले, उनके लिए यहाँ पर जो बेड्स थे उनकी संख्या को उससे जस्ट डबल किया गया है। और जो प्रीमेच्योर बच्चे पैदा होते थे NICU में उनके लिए भी 16 से बढ़ा करके अब यहाँ पर जो बेड्स बढ़ाए गए हैं वो लगभग 60 बढ़ाए गए हैं। काफ़ी बड़ी संख्या इसकी हो गई है। हम लोगों का प्रयास है कि बेहतर सुविधाएं हर पेशेंट को प्राप्त हो सके, आज इसीलिए यहाँ का हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हम लोग बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के साथ साथ व्यापक जागरूकता के माध्यम से इंसेफ्लाइटिस को और अन्य संचारी रोगों को नियंत्रित करने और आम जन को बचाव के लिए हम लोग जागरूक करेंगे।